brought to you by Khata Book. इनका tomorrow होना हो, लेकिन हिसाब today हो सकता है। कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए, फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। तो शराबबंदी है कि नहीं है? ना, क्या हुआ है? घर घर बांटा है। रोड में तो घोटना। बिहार में बदहाली की कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन हम इस वक्त यहाँ पर है, ये है मुजफ्फरपुर यानी उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर, और उसके शेखपुर हम इस कॉलोनी में खड़े हैं, जहाँ पर सड़कों की हालत इतनी खराब हो गई है कि जो वोटरों ने डिसाइड किया है वो ये है, तय ये किया है कि जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं देंगे। चुनाव है और चुनाव के समय सबकी बात सुनी जाती है, तो शायद इनको यही उम्मीद है कि रोड बनेगा, और यहाँ पर अलग अलग जगहों पर बैनर टांगे गए हैं जिसमें लिखा गया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या दिक्कत है? ये आप यहाँ खड़े हैं, ये मुजफ्फरपुर का शेखपुर ढाब एरिया है, और इस एरिया का हम सालों से यहाँ पर जो हमने देखा है, पानी का टाइम आता है, बारिश का सीजन होता है, उस टाइम इस ये पूरा एरिया 5 किलोमीटर एरिया पानी नदी के पानी से घिर गया रहता है, और लगभग 7-8 फीट पानी घरों में घुसा रहता है, और उस टाइम यहाँ पर लोगों का एक ही सहारा होता है नाव, उसमें भी सरकारी नाव का सुविधा उपलब्ध नहीं होता है, और लोग नाव वाले लोगों को लूटते रहते हैं। तो नाव चलती है इस सड़क पे? नाव चलती है इस रोड इस एरिया में। सोचते हैं कि यहाँ पे हमें रोड चाहिए, और एक बांध चाहिए, रोड चाहिए। पूरी महिलाओं से बात करते हैं, महिलाएं यहाँ पर बहुत बड़ी ज्यादा है। बांध बांध आप लोगों को क्या दिक्कत है बताइए, दिक्कत बताइए। इनका कहना है कि बाढ़ आया था, बाढ़ में सब कुछ बह गया, सब कुछ बह गया, तो ये हालत है। क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? क्या क्या परेशानी है? ये सड़क नहीं बना है, और यहाँ पे लिख रहे हैं कि रोड नहीं है तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट ना, गरीब के कुछ व्यवस्था ना तो वोट ना, जो ये गरीब के कुछ व्यवस्था नहीं करेगा तो ये कुछ नहीं होगा। कोई नेता ना, कोई नेता का वोट नहीं तो जो आएगा नेता वोट मांगने, उसको क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? भाग भाग भाग, क्या कहिएगा? भाग, झाड़ू लेकर चलूंगा, से बोल झाड़ू से भगाएंगे। हाँ हाँ, झाड़ू छप्पर पर पानी चढ़ाई चढ़ लगा, ये बना ना देना, रोड ना बन लग, खाए लग दिया ना, भूखे रोड पर 3-4 महीना दहाई रही, 3-4 महीना इस पूरी कॉलोनी में बारिश का पानी भरा रहा, और कहते हैं कि 7 से 8 फीट तक पानी गया था, और यहाँ पर नाव दी गई ना और कोई व्यवस्था दी गई। आप बताइए, आप यहाँ पर बहुत सारी चीजों को लेकर के है, क्या आप लोगों ने प्राइवेट नाव थे 200 रुपया 200 रुपया लेकर के अपने मतलब मनमानी करते थे, इसके खिलाफ हमने मतलब एमएलए महोदय को हमने कंप्लेंट किया था, लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिया। सीधी हाथ खड़े रहे, जब तक नया इलेक्शन नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सके हैं। मेरे पास फंडिंग की व्यवस्था नहीं है, मुद्दा है सेंट्रल मिनिस्टर तक हमने चेक करके रखा है, उसका डॉक्यूमेंट आपको देते हैं, अब उसको अपने पास क्या क्या आपने किया है, कहाँ लिखा था आपने? डीएम को लिखा, विधायक को लिखा, एमपी को लिखा, केंद्रीय मंत्री को लिखा, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई जनप्रतिनिधि आज तक हाथ में लेके गया। तो कहाँ कैसे निकलते थे यहाँ पे जब पानी था? नाव से निकलते थे और कलेजा तक पैदल आदमी गर्दन तक खेल के निकलता था। अच्छा, हमारे साथ एक आप दिखा रहे थे कुछ तस्वीर, थोड़ा सा अगर आप दिखा पाएंगे वो तस्वीर कि किस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल में बना रखी है, हम आपको दिखाने का, कैसे आप लोगों ने कैसे नाव बनाई थी, क्योंकि 100 रुपया कितना देता था नाव? 100 रुपया तो इतनी था, 100 रुपये 50 रुपये आदमी करके 500 लिया। हम लोग का कम्प्लेन है, एमएलए का मतलब फेसबुक अकाउंट है, इस पर हम लोगों ने मतलब कम्प्लेन भी किया था आपको, हम दिखाते हैं कि फेसबुक अकाउंट पर भी इन्होंने कम्प्लेन किया है एमएलए साहब, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि इस बार मतलब बनेगा नहीं, अगली बार बनेगा। उनको 5 साल हम लोगों ने दिया, उसके बाद उन्होंने 5 साल मांगा, किस आधार पे 5 साल उनको हम दे, उनको 5 साल दिया था। ये एक बड़ा सवाल है, महिलाओं के पास चलते, जब महिला बताइए, सड़क की परेशानी है और भी है, लोग कहते हैं क्या कि नीतीश राज में शराबबंदी है, शराबबंदी है कुछो ना बंदी मान गई, बाहरों गए तो बाहरों से अलग, तो स्कूल में 15 दिन रहा
तो लोग कहल 15 दिन रहे तो मान गई हर हिसाब होते न बेटा के न पोता के मान गई कुछ हिसाब को परेशानी शराब पे शराबबंदी पे शराबबंदी का बताइए शराब घरे घर में नहीं है शराब बंद होना है तो होना है नहीं होना है तो कोई के वोट नहीं मिलेगा तो शराबबंदी है कि नहीं है ना क्या है घर घर बनता है दाल चावल नहीं बेचो खाली मोदी नीतीश दारू बेचो आदमी के कमा कमा के एक रुपया नहीं कमाने जाएगा जाएगा तो उधारू पिया के मोट करेगा दारू वाली के तो सब जगह मिल रहा है हाँ एकदम चार साल मोदी नहीं बेचो खाली दारू बेचो तो ये स्थिति है महिलाओं को बहुत ज्यादा कहा जाता है कि महिलाओं को परेशानी है शराब से इसीलिए बच्चे खराब हो रहे हैं इसीलिए शराब बंद होनी चाहिए ऐसा हुआ हाँ इंग्लिश दारू खाद के दारू बना लड़का सब पिया के सियान के पिया के एकदम गरम बात सके क्या क्या बोले इंग्लिश दारू बंद किया है तैयो तो चुरा करके सब मोटरसाइकिल से घुमा घुमा के कहानी कहिए सब दारू बनाता घरे घरे सब बेच रहा है दारू वाली सब जीव है तो मोट बन गया तो ये स्थिति है सड़क नहीं है लेकिन जो शराबबंदी है वो शराबबंदी कहीं नहीं दिखाई दे रही है शराबबंदी तो सड़क है और जो चीज नहीं होनी चाहिए जो चीज होना चाहिए सड़क होना चाहिए सड़क नहीं है शराब नहीं होनी चाहिए शराबबंदी है लेकिन शराब महिलाओं का ये तो झूठ नहीं बोलेंगी पुलिस पुलिस के महीना बाढ़े हुआ महीना पड़ता है पुलिस नहीं देता पैसा आना जाना लगा हुआ है तो 100 रुपया 200 रुपया दे देकर पता चलेगा कि सुबह से टीवी पर देखो क्या रोड पर जाएगा कुछ थर्मोकोल खरीद करके उसका डेरा बना करके और कैसे कैसे जाते आते थे सड़क पे थर्मोकोल का आप कह रहे थे कि सब मिले हुए हैं शराब सड़क नहीं है शराब है शराब के शराब जब सरकार बंद किया बंद नहीं है चालू है दम दारू दारू वो भी चालू है इंग्लिश भी चालू है और घरे घरे बना करके भी बेचता पुलिस वाला सब भी है पुलिस वाली से की पुलिस का महीना बना हुआ पुलिस महीना ले जाता महीने दारू बनाने वाला से सड़क के नदी के कानिए कानिए कर सब 500 लोग बनाता है दारू आप लोगों को लगता है कि पूरा बच्चा को खराब कर दिया शराब के नाम पे अयापुर थाना दम भड़ुआ बना हुआ बच्चा के खराब कर बच्चा लेके सियान लेके सब तो ये स्थिति है ये है बिहार बिहार में जो होना चाहिए बुनियादी चीज होनी चाहिए वो नहीं है उसके लिए कहना पड़ रहा है वोट नहीं है लेकिन जो शराब है जो कागजों पर बंद है जो नहीं मिलनी चाहिए वो घर घर को बर्बाद कर रहा है ये स्थिति है और ये उत्तर बिहार के सबसे बड़े शहर मुजफ्फरपुर की स्थिति है ये कोई गांव का इलाका नहीं है कि गांव में आप चले गए तो ये स्थिति है ये बीच शहर की स्थिति है और समझिए कि किस तरीके से बिहार में जिस समय चुनाव हो रहे हैं उस समय मुद्दों की बात हर कोई करता है लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं उनकी ओर कोई देखने वाला नहीं कैमरा मैन अजय ठाकुर के साथ कुमार कुणाल मुजफ्फरपुर।